नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस वाले के लिए थोड़ी सी यहाँ पे राहत की खबर आ चुकी है दोस्तों। जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है दोस्तों 1989, उसमें दोस्तों जो साते हैं उसी के ऊपर दोस्तों एक फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन के चलते दोस्तों यहाँ पे जो वहाँ पे फीस लगती थी, लेट फीस वगैरह, अगर आप वहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी फ़ीस लेट फीस अब नहीं लगेगी दोस्तों। इसी के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा खबर निकल के आई है। तो इस बड़ी खबर जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी और अच्छी जानकारी और आपके लिए राहत की खबर ये आई है। इस वीडियो में लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे रिलीफ मिला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब अभी कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लें और वीडियो को लाइक करें, लाइक करना बाद में भूल जाते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम लगे तो आज के टॉपिक पर फोकस करते हैं, आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर केंद्र सरकार ने दोस्तों जो CMVR है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989, उसकी शर्तों पे दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया है कि अब दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस जो 1 फरवरी 2020 के बाद से एक्सपायर हुए थे दोस्तों, उनके दोस्तों किसी कारणवश उनको जो बढ़ा उनकी वैलिडेशन को नहीं बढ़ाया जा सका, या फिर दोस्तों उनके कामकाज जो नहीं हुए लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते, तो ऐसे लोगों से वहाँ पे लेट फीस, लेट पेनाल्टीज जो लगती थी वो नहीं ली जाएंगी। जी हाँ, आपका लाइसेंस अगर पहले से भी एक्सपायर हो गया है दोस्तों, यानी कि 2020 में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो आप उसके आवेदन करने वाले हो, करने ही वाले थे दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों लॉकडाउन के चलते आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना ही आप आवेदन कर पाए रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ना ही आप नए लाइसेंस बनवा पा रहे हो, या आपने अगर बनवाने के लिए दिया भी है, LL बुक किया, स्लॉट बुक किया, तो ऐसे में दोस्तों आपको टेस्ट देने का मौका ही नहीं मिला। तो आपके ऊपर जो लेट फीस या लेट पेनाल्टीज़ वगैरह बनती थी खासतौर पर रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, उन सब में दोस्तों आपको छूट दी जा रही है। और अब दोस्तों आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर LL के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए, या फिटनेस RC, जो भी आपके लिए अगर कहीं से भी आपको लेट फीस लगती है, लेट पेनाल्टी, तो वो अब नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने इस पे खुद गाइडलाइन एडवाइजरी जारी करके बोल दिया है कि किसी को 2020 में दोस्तों 1 जनवरी 2020 के बाद से दोस्तों, अगर जब तक ये लॉकडाउन रहता है उसके बीच में आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है, या फिर आपके कामकाज नहीं हो पाते हैं और उसकी गलती जो है वो आपकी नहीं है, केंद्र सरकार की RTO की है, उसमें गलती किसी की नहीं है, ये लॉकडाउन के चलते ही हो रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते, तो इसमें दोस्तों लेट पेनाल्टी, लेट फीस हटा ली गई है, लेट फीस किसी को नहीं देना पड़ेगा। ये दोस्तों बड़ी और राहत की खबर आई है। तो आई ना आपके चेहरे पे स्माइल थोड़ी, कुछ आपको रिलीफ जरूर मिला ना इस वीडियो में। तो इसी बात, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी नॉलेजबल इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेकर डेली इस चैनल पर वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, साथ आप मुझे सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी एक लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करके ही मिलेगा। तो हमारे परिवार का सदस्य बने, फैमिली का हिस्सा बने, अगर नहीं बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को दोस्तों, क्योंकि मैं आपके ऐसे ही नॉलेजबल जानकारी इस पीरियड पर लेके आता रहता हूं चैनल पे। तो यहां पे लेट पेनाल्टी, लेट फीस शब्द 2020 में हटा दिया गया है। जब तक लॉकडाउन, कोरोना वायरस का काल चलता रहेगा, महामारी चलती रहेगी, तब तक आपसे लेट फीस नहीं ली जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में। तो जानकारी काफ़ी बढ़िया और अच्छी जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो में दी है दोस्तों। तो इसी बात पे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हो, सभी अपने परिवार के मेंबर, भाई, बंधु, मित्र, सभी जगह इस वीडियो को फैलाएं कि लेट पेनाल्टी, लेट फीस शब्द जो था वो अभी डिलीट कर दिया गया है, केंद्र सरकार ने उसको डिलीट कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए, बाद में फिर से दोस्तों यहाँ पे रीगेन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों किसी का भी वहाँ पे लेट फीस, लेट पेनाल्टी नहीं लगने वाली है। तो यही था जानकारी। तो अब मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे एक न्यू वीडियो में, लेकिन छोटे से उससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपको मुझसे कुछ बात करने, कुछ सुझाव, कुछ आपके मुझसे सवाल जवाब हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, @TechnicalAlok जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर फॉलो करें। वहाँ पर 24/7 ईजिली अवेलेबल रहता हूँ, तो फॉलो करके आप मुझसे वहाँ पर कुछ भी बात कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। मैं मिलता हूं दोस्तों नए वीडियो में, टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।